हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू G3 ई लर्निंग क्लासेस ऑफ इंग्लिश क्लास 11th एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आर नेक्स्ट चैप्टर मींस सेकंड चैप्टर द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको ऑफ स्नैपशॉट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी. इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. द शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस इज अ पॉइंजेंट account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये war zone की बात है जब Holland और Germany का war हो रहा था. It is written against the background of the German invasion of Holland. It deals with the fundamental human dilemma whether to cling to the memories of the past or forget it and reconcile with the present. The narrator, a young woman displaced as a result of the war, goes in search of her mother's belongings lent to one Mrs. Darling. When she comes across the familiar objects in unfamiliar surroundings, she loses interest in all these things. She leaves them behind in a resolve to forget them completely, to reconcile with her life as it is. And the story also conveys the idea that war affects human lives terribly. The dislocated refugees rarely come back to their homes. If any one of them does come back, he finds himself estranged in the familiar surroundings and has to go back. War affects them completely and permanently. This is what happens to the narrator. She is a rootless person now. She has lost her childhood home and her mother. Now she lives in a small rented room in an unfamiliar city. So let's start our chapter. Do you still know me? I asked. मैंने पूछा क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. नो आई डोंट नो यू. आई एम मिसेस एस डॉटर. हियर आर नरेटर जो ये स्टोरी को नरेट कर रही हैं वो पूछती हैं वुमेन से कि क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं. और जो सामने उसके जो वुमेन है वो उसको सर्चिंगली मींस देखती है कि क्या मैं इसे जानती हूँ. और उसने जो अपने घर का जो दरवाज़ा है वो खोला हुआ है अचिंक थोड़ा सा. ठीक है. आई केम क्लोज़र. और जो हमारी नरेटर हैं उसके और पास जाती हैं और वो सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती हैं. और विमेन का क्या आंसर होता है. नो आई डोंट नो यू. कि नहीं मैं आपको नहीं जानती. फिर जो नरेटर है उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. जो नरेटर है उसकी मदर का नाम एस है. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. अब वो जो लेडी है जिसके यहाँ पर हमारी नरेटर गई हैं तो वो जो है अपने हाथ से जो डोर को बहुत ही इस तरीके से खोले हुए हैं कि वो उसको और ज़्यादा नहीं खोलना चाहती है. और वो नहीं चाहती है कि वो उसको जो है अंदर आने दे. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. अब जो उसका फेस है यानी कि जो वो लेडी है वो उनके फेस पर ऐसा कोई भी साइन नहीं है कि वो जो हमारी नरेटर है उसको पहचान चुकी हैं. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. और वो जो है मुझे चुपचाप सिर्फ घूर रही है. मींस कीप ऑन वॉचिंग. वो देख रही है. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट. और मुझे लगा शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है. मींस ये जो है वो गलत एड्रेस पे आ गई है नरेटर. परहैप्स इट इज़न्ट हर. शायद ये वो लेडी नहीं है जिसके घर का एड्रेस मुझे दिया गया था. आई हैड सीन हर ओनली वंस. और नरेटर ने भी उसको सिर्फ एक ही बार देखा था. फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. और ये जो है बहुत ही फ्लीटिंगली मीन्स मोमेंट्रली
ये जो है ना बहुत पुरानी बात है, जब इसने नरेटर ने इस लेडी को देखा था, इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल। और ये हो सकता है कि इसने जो है ना वो गलत घर की जो बेल है वो बजाई है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब जो है वो वुमेन जो है वो डोर से पीछे हो जाती है और साइड में हो जाती है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, और उस लेडी ने जो है वो मेरी मदर का बुना हुआ कार्डिगन पहना है। द वुडन बटन्स वर रादर पील फ्रॉम वॉशिंग, और जो वुडन के बटन है उस कार्डिगन पे वो वॉशिंग से पीले पड़ गए हैं। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और वो ये देख रही थी कि जो मैं उसका जो कार्डिगन है उसको नोटिस मैं कर चुकी हूँ। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने अपने आप को जो है क्योंकि उसने देखा कि उसने कार्डिगन पहचान लिया है नरेटर ने, तो वो क्या करती है लेडी, अपने आप को जो डोर के पीछे छुपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन वो कार्डिगन देखने के बाद नरेटर को ये पता था कि अब वो राइट एड्रेस पे है कि जहाँ उसे पहुँचना था। वेल यू न्यू माई मदर, कि आप मेरी मदर को जानती हैं, आस्क्ड हैव यू कम बैक, सेट द वुमेन, और उस औरत ने पूछा, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि ये जो नरेटर हैं उसको पहचानती हैं, तो जो वुमेन है वो उससे पूछती है कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, और मुझे लगा शायद जो है कोई भी वापस नहीं आएगा। एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि हॉलैंड और जर्मनी का वॉर चल रहा था, और जितने भी उस टाइम पर वहाँ के लोग हैं वो शहर छोड़ के जा चुके थे, और तभी ये वुमेन जो है वो भी पूछती है कि क्या जो है तुम वापस आ गई हो। और इस वुमेन को लगता है कि शायद जो है उस वॉर जोन के बाद यहाँ इस शहर में कोई भी वापस नहीं आया होगा। ओनली मी, वो कहती है सिर्फ मैं वापस आई हूँ। अ डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। अब जो लेडी जो है अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई है, और उसके पीछे जो है एक और डोर ओपन होता है और फिर वो बंद हो जाता है। अ मस्टी, मस्टी मीन्स सीलन वाली स्मेल जो है वहाँ से निकल कर आती है। आई रिग्रेट, आई कांट डू anything फॉर यू, और वो लेडी है कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर ट्रेन से आई हूँ स्पेशली। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। ये सब कौन बोल रहे हैं, नरेटर। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेट द वुमेन, अब वो लेडी कहती है कि अभी जो है मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। आई कांट सी यू अनदर टाइम, और जो है मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं देखना चाहती। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, और वो बहुत ही ना कॉशियसली मीन्स बहुत ही उससे जो दरवाज़ा बंद करती है और बोलती है, और ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहती कि जो अंदर जो भी लोग हैं घर के अंदर वो डिस्टर्ब हों। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पर मैं उस स्टेप पर सीढ़ियों पर खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, और जो कर्टन था विंडो में मूव्ड, वो थोड़ा सा हिला, ऐसे लग रहा था जैसे कोई जो है अंदर से देख रहा है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, मतलब ऐसे लग रहा था कर्टन जैसे किसी ने खोला और वो पूछ रहा है कि ये जो लड़की है ये क्या चाहती है। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट इज़ नथिंग, और शायद उस वुमन ने ये कहा होगा कि नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। I looked at the name plate again, और मैंने फिर से name plate की तरफ देखा। Darling, it said, और ये name plate पे क्या लिखा था, Darling, in black letters on white enamel, and on the jamb, a bit higher, the number 46,
और ये जो है ब्लैक लेटर से लिखा था, वाइट एनेमल से लिखा गया था डार्लिंग। और वहाँ पर एक और क्या था कि बिठाइयर उसे थोड़ा ऊपर क्या लिखा था, नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। और क्योंकि अब जो वो वुमेन थी वो इसको मना कर देती है मिलने के लिए, तो ये वापस जो है स्टेशन की तरफ चल पड़ती है। और चलते चलते ये जो है अपनी मदर के बारे में सोचती है, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। इसकी मदर ने ये जो एड्रेस है इसको बहुत साल पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। और ये जो फर्स्ट हाफ यानी कि जो वॉर का जो फर्स्ट हाफ था तब की बातें हैं। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, और मैं जो है घर पर थोड़े दिन के लिए आई थी। इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। मीन्स अब ये जो याद कर रही है कि जब ये आई थी अपनी मदर के पास ईयर्स अगो, तब जब इसने एंटर किया अपने घर में, तो एकदम इसके माइंड में स्ट्रक हुआ कि कुछ चीज़ें जो है ना उस रूम से मिसिंग है, मीन्स वहाँ से गायब है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और इसने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर मिस किया कि उस रूम में जो होनी चाहिए थी लेकिन अभी वहाँ पर नहीं थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और इसकी माँ बहुत हैरान हो जाती है कि ये जो चीज़ें जो उनके रूम में नहीं हैं, जो ये नरेटर है वो बहुत जल्दी जो है इनको नोटिस कर लेती है। तो इस पर इसकी मदर बहुत सरप्राइज हो जाती है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग, और तब उन्होंने जो है मुझे डार्लिंग के बारे में बताया था, मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने इससे पहले उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो है बहुत पुरानी जानकार है मेरी मदर की, होम शी हैडन्ट सीन फॉर ईयर्स, जिनको जो है उन्होंने बहुत सालों से नहीं मिली थी वो और नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और ऐसे लग रहा था कि जैसे अचानक से वो कहीं से आ गई है और अपने जो कॉन्टेक्ट हैं उनको दोबारा से उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया है। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो जो है वहाँ पर हमारे घर जो है रेगुलरली आ रही थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, और जितनी बार भी वो यहाँ पर आती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे वो कुछ ना कुछ जो है अपने घर हमारे घर से उठाकर ले जाती थी। मीन्स शायद जो नरेटर है उसका ऐसा सोचना है कि कुछ ना कुछ ऐसी डील इसकी मदर और इसके बीच में लेडी के मिसेस डार्लिंग के बीच में हुई है। मिसेस डार्लिंग ने जो इसकी मदर को प्रॉमिस किया था कि वॉर जोन है, अगर आप लोग यहाँ से चले जाते हो तो मैं आपकी चीज़ों को बहुत ही संभाल कर रखूँगी। तो इसकी मदर क्या करती हैं कि मिसेस डार्लिंग को इसके घर की जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो जो है इनको मिसेस डार्लिंग को दे देती हैं कि हाँ ठीक है जब हम वापस आएंगे तो हम ये चीज़ें ले लेंगे। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो एक ही विजिट में जो है जितना भी सिल्वर, टेबल का सिल्वर यानी कि जो सिल्वर की क्रॉकरी है उनको ले जाती है, एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। और आपने देखा होगा ना बहुत सारे जो लोग हैं अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेशन के लिए एंटीक प्लेट्स को जो है दीवार पर टांग देते हैं, तो ऐसे ही उसके नरेटर के यहाँ भी थे, और जो कि वो लेडी उनके घर से ले जाती है। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वॉसेज, अब उसको जो है लार्ज वॉस जो है उसको भी खींचने में दिक्कत आ रही थी जो उसके घर से वो लेडी लेकर गई थी। And I am worried she got a crick in her back from the crockery. और मुझे ये डर लग रहा था उसे देखकर कि वो इतना हैवी सामान और जो हैवी क्रॉकरी वहाँ से ले जा रही थी कि उसकी जो बैक है यानी कि जो उसकी कमर है उसमें क्रिक ना आ जाए। ठीक है, माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, और बहुत ही दया से उसकी जो मदर है वो सिर हिलाती है कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है उनको देनी पड़ रही हैं। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मुझे ये कभी भी जो है इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में उनसे, उन सब बातों के बारे में उनसे पूछ सकूँ। शी सजेस्टेड
इट टू मी हर सेल्फ, और उन्होंने अपने आप ही मुझे ये चीज़ें बताई. शी इवन इंसिस्टेड, और उन्होंने इंसिस्ट किया मुझे. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि जो उनकी मदर है वो उसकी हर इम्पॉर्टेंट और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सेव करना चाहती है. इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज. वो कहती है कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम ये सारी चीज़ें खो देंगे. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. और अब यहाँ पर जो नरेटर अपनी मदर से पूछती हैं कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो हमारी हर चीज़ को जो है सेफ्टी से रखेंगी. As if that's necessary, my mother cried. और इसकी माँ जो है चिल्लाकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो संभाल कर रखेगी या नहीं रखेगी, लेकिन ये जो डिसीज़न था उनका जो उसे सारी चीज़ें देने का संभाल के रखने के लिए, ये ज़रूरी था. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. वो कहते हैं कि अगर मैं उनसे पूछूंगी कि वो चीज़ें जो है वापस करेंगी या नहीं, तो ये जो है एक इंसल्ट होगा उनके लिए. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचो कि जो वो चीज़ें ले जाते हुए, ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग. वो कहते हैं कि जब वो फुल सूटकेस और बैग हमारे घर के दरवाजे से बाहर लेकर जा रही है, तो उस रिस्क के बारे में भी सोचो. मीन्स वो जो लेडी है हमारे लिए कितना रिस्क उठा रही है. माई मदर सीम्ड to notice that I was not entirely convinced. अब ये सब चीज़ें और जो ये excuse उसकी mother जो है narrator को दे रही थी, तो उसकी mother को ऐसा लग रहा था कि जो narrator है वो इन सब चीज़ों से convinced नहीं हुई है. means जो इन सब चीज़ों को नहीं मान रही है. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. और वो उसकी तरफ, नरेटर की तरफ ऐसे देखती हैं उसकी मदर की जो है वो इन सब चीज़ों को सच माने, और इसके बारे में, इसके बाद जो है उनकी इस बारे में कभी भी बात नहीं हुई. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. अब जो है meanwhile, क्योंकि अभी ये जो है past memories को जो है याद कर रही थी, तो meanwhile जब ये स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है, तो इसने ये सब चीज़ों की तरफ जो नहीं सॉरी जो रास्ते में जितनी भी चीज़ें थी उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो है ना वॉर के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, और ये सब चीज़ें जो फैमिलियर मीन्स जानी पहचानी थी इसके लिए. बट आई डिडंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, कि वो जितना ज़रूरी है उससे आगे नहीं जाना चाहती. मीन्स ये अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहती. क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि इट गिव्स हर पेन, जो क्योंकि इसकी एक फैमिली थी, घर था, और अब वॉर के बाद ये जो सारी चीज़ें अब इसके पास नहीं रही, तो ये यहाँ पर क्यों आती है? सिर्फ अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको वापस लेने के लिए. आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम. और ये अपने आप को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहती थी ये सारी जो गलियाँ हैं, जो हाउसेज हैं, उनको देख कर जो कि मेमरीज से भरे हुए हैं एक प्रीशियस टाइम से. So this is the first part of our video, and we will do the next part in our second video. Thank you so much.